तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तमाम नाज़रीन अकराम को गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मेरा नाम मंजूर है और आज की वीडियो हम हमारे मुल्क पाकिस्तान के दिल शहर कराची पर बना रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि दिलचस्प और मालूमात कराची शहर से मुतलक आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान सरसब्ज और वादियों से भरपूर है, अगर हम बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची की। कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दोस्तों, कराची दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़े शहरों में से छठे नंबर पर बड़ा शहर है। इसके अलावा कराची अरबी समुंदर के किनारे पर वाकई है और दोस्तों, कराची में दो है और दोस्तों, कराची में दो बड़े समंदरी पोर्ट भी है जहां से माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। उन दोनों बंदरगाहों में से कासम पोर्ट और कराची पोर्ट इनके नाम हैं। तकरीबन ज़्यादा आमदोरफ्त कासम पोर्ट पे होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन जो जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती है और इसके अलावा एयरपोर्ट तो दूसरे भी पाकिस्तान में हैं, मगर ज़्यादा आमदो रफ्त वाला और ज़्यादा रश वाला एयरपोर्ट जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कराची में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, कराची की पॉपुलेशन दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तकरीबन ज़्यादा लोग माइग्रेशन करके कराची में आ रहे हैं दूसरे इलाकों से, रूरल इलाकों से। पॉपुलेशन के हवाले से तकरीबन 18 मिलियन लगभग पॉपुलेशन इस टाइम कराची की है। दुनिया में मुस्लिम ममालिक के लिहाज से सबसे बड़ी आबादी वाला शहर भी कराची जाना जाता है। दोस्तों, कराची पाकिस्तान की मईशत और इंडस्ट्री के हवाले से भी बहुत बहुत मशहूर है और कराची हमारे पूरे मुल्क की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कराची एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है। कराची तहलीम के हवाले से कराची में बहुत आला दर्जे की यूनिवर्सिटीज़ हैं। NAD चिना यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी, डाओ यूनिवर्सिटी जैसे बहुत बड़े बड़े तहलीमी इदारे भी हैं जहाँ से बहुत अच्छी तहलीम भी मिलती है। कल्चर के हवाले से दोस्तों, कराची सिंध सूबे का हिस्सा है और कल्चर के हवाले से और सियासी लिहाज से भी अहमियत का बायस है। कराची पाकिस्तान का सेक्युलर और सोशल लिबरल शहरों में से है। कराची में ऊंची इमारतों तो बहुत सारी हैं, मगर अभी जो लेटेस्ट ऊंची इमारत बनी है, नई इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं,
वो बहरिया टाउन कराची में बनी है, जिसका नाम बहरिया टाउन कराची में बहरिया टाउन आइकॉन बहरिया आइकॉन टावर है और ये तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। इस इमारत की ऊंचाई 60 फ्लोर है पर मुश्तमल है। इसकी टोटल ऊंचाई 260 मीटर और अगर हम फुट्स में नापेंगे तो 850 फिट है। इसके हवाले अलावा और दूसरी नंबर पर जो कराची में मशहूर ऊंची बिल्डिंग है, पहले तो पहले नंबर पे थी मगर अभी बहरिया टाउन आइकॉन टावर ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले जो शुमार होती थी टालेस्ट बिल्डिंग्स में, पाकिस्तान की टालेस्ट बिल्डिंग्स में, वो थी हबीब प्लाज़ा जो 1963 में कराची में बनी, पाकिस्तान की पहली ऊंची मंजिलों में शुमार होती थी। इसकी ऊंचाई 102 मीटर 335 फीट है और ये 25 मंजिलों पर मुश्तमिल है। कराची में बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, मशहूर प्लेसेस हैं। मशहूर प्लेसेस में कुछ का हवाला मैं इस तरीके से देता हूँ, अगर आपका कराची पहले मर्तबा आए हैं या आना हो तो आप स्टार्ट क्लिफ्टन सी व्यू से करें। अगर आप कराची पहली मर्तबा आए हैं तो घूमने की शुरुआत सी व्यू से करें। सी व्यू बीच में इंटरेक्शन कराची की है। मज़ार कायद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मज़ार कायद पाकिस्तान के फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की आरामगाह थी और अब उसका मकबरा बनाया गया और ये मकबरा बहुत मशहूर है और ये मकबरा मशहूर आर्किटेक्ट यया मर्चेंट ने सफ़ेद संगमरमर के टाइल से बनाया और ये मकबरा 1960 में बनाया गया। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी मशहूर प्लेसेस हैं घूमने की, मेहता पैलेस, सफारी पार्क वगैरह, मगर एक हम और बात करने जा रहे हैं मस्जिद तौबा। मस्जिद तौबा ये गोल मस्जिद से भी जानी जाती है और ये गोल मस्जिद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने 1969 में बनाई। मस्जिद तौबा सिंगल गुम्बज वाली दुनिया की 18वीं बड़ी मस्जिद में शुमार होती है। और दोस्तों इसके अलावा इस मस्जिद में 5000 लोग एक साथ एक ही हाल में नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कराची में और भी बहुत सारी मशहूर तारीखी और तफरीही जगहें हैं। हमने कुछ जगहों का हवाला दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई मशवरा हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह।